हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई इंग्लिश। इंग्लिश के ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं जिनके यूज़ करने से हमारी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है, बहुत डेकोरेटेड तरीके से हम लिख सकते हैं, बहुत ही पॉलिश तरीके से हम बोल सकते हैं। आपकी स्पोकन इंग्लिश और आपकी रिटन इंग्लिश दोनों ही काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। इन वर्ड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, बहुत सारी सिचुएशंस जो हमारे सामने आती हैं, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे घर में, हमारे आसपास, उसमें हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे आप एक बच्चे हैं, आप एक बड़े हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। चलिए, तो बिना देर किए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज कंपैशन। कंपैशन, कंपैशन का मतलब है एक क्लोज फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ कंसर्न टुवर्ड्स द अदर पर्सन, अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग ऑफ द अदर पर्सन। एक दया भाव, एक करुणा भाव, एक सहानुभूति दूसरे व्यक्ति के प्रति, उसे हम कहते हैं कंपैशन। बहुत सारे लोग कंपैशन और पैशन दोनों में कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कंपैशन के पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स हैं एम्पथी, पिटी, टेंडर हार्टेड, मर्सी एंड काइंडनेस, और कंपैशन के ऑपोजिट्स यानी कि एंटोनिम्स हैं इनसेंसिटिव, क्रुएलिटी, हेट्रेड, इनह्यूमैनिटी एंड एंटीपैथी। कंपैशन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्ब एंड एज अ एडवर्ब। एज अ वर्ब जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे कंपैशनेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल गॉड इज ऑलवेज कंपैशनेट फॉर ऑल हिज फॉलोअर्स। गॉड इज ऑलवेज कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस अर्थ। और जब हम इसे यूज़ करेंगे एज एन एडवर्ब तो हम यूज़ करेंगे कंपैशनेटली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही लुक्ड कंपैशनेटली एट द चिल्ड्रन सिटिंग ऑन द रोड साइड। कंपैशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, अपने आसपास के सिचुएशंस में। आप अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं, आसपास में जो जानवर हैं उनके साथ यूज़ कर सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपकी वर्क प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी इंजीनियर के पास जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स फॉर एनिमल्स। हमें एनिमल्स के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, उन्हें हमें मारना नहीं चाहिए। इसको देखिए हम किस तरीके से यूज़ करें। वी शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स एनिमल्स एंड देयरफॉर वी शुड नॉट किल देम फॉर फूड, क्लोथिंग एटसेट्रा। दूसरा देखिए, अपने बच्चों के साथ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों को हम पुराने कपड़े, उनकी पुरानी किताबें, हम उनको दान करना सिखाते हैं जिससे कि उनके अंदर एक दया की भावना जागे। तो देखिए इसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। Parents can teach their kids to be compassionate by letting them donate with their own hands their old clothes and their old books to the poor children. फिर आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को अपने वर्क प्लेस पर, अपने कलीग्स के साथ, आपके कोवर्कर्स के साथ। आप अपने कोवर्कर्स को अच्छे से समझ करके, उनको अच्छा गाइड करके, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनमें क्या क्या खूबियां हैं उसको समझ करके, उसको बता करके आप कंपैशनेट हो सकते हैं। देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे। बाय ऑफरिंग गाइडेंस और एक्नॉलेजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अदर्स वन कैन शो कंपैशन टुवर्ड्स देयर कलीग्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स के प्रति आप कैसे शो कर सकते हैं अपना कंपैशनेट एटीट्यूड। उनकी बातों को सुनकर, उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर आप बन सकते हैं कंपैशनेट। तो देखिए इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन शो और रिप्रेजेंट आवर कंपैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स बाय केयरफुली लिसनिंग देम, बाय कनेक्टिंग आवर सेल्फ विद देयर प्रॉब्लम्स। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल कंपैशन शब्द को और अच्छे से समझने के लिए। आपको वो डॉक्टर्स बहुत पसंद हैं जो कि बहुत ही दया भाव रखते हैं पेशेंट्स के प्रति, तो आप इसे कैसे बोलेंगे। आप इसे बोलेंगे आई लाइक द डॉक्टर्स हु डील विद द पेशेंट्स विद कंपैशन। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने भी
कंपैशन शब्द को अपने द्वारा कही गई बातों में शामिल किया है। देखते हैं, लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज नॉट लक्जरीज, विदाउट देम ह्यूमैनिटी कैन नॉट सर्वाइव, सेड दलाई लामा। अंटिल यू हैव रियल कंपैशन यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज लव, सेड बॉब थर्मन। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कंपैशन शब्द का इस्तेमाल और मतलब दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन।